संस्कार धानी में भगवान परशुराम से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान परशुराम ने वर्षों पहले तपस्या की थी। उनके पद चिन्ह आज भी पहाड़ी में मौजूद है। जबलपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर मटामर में स्थित परशुराम पहाड़ी मौजूद है, जिसके नजदीक में ही भगवान परशुराम कुंड भी है। जनश्रुतियों में यह मान्यता है कि परशुराम पहाड़ी पर जल का कोई भी स्रोत नहीं था। भगवान परशुराम को स्नान करने के लिए नर्मदा जाना पड़ता था। माँ नर्मदा ने खुश होकर परशुराम पहाड़ी के नजदीक ही कुंड के रूप में प्रकट हो गई, जिसके बाद से ही कुंड का नाम परशुराम कुंड पड़ गया। कुंड में माँ नर्मदा अवतरित होने के बाद परशुराम ने कुंड में ही अपना कमंडल व लंगोट छोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि कुंड में हमेशा पानी भरा हुआ होता है, जिसकी गहराई की नाप आज तक नापी नहीं गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ी में परशुराम भगवान के पद चिन्ह आज भी मौजूद है। परशुराम को पिता का आदर्श पुत्र माना जाता है। माता रेणुका की हत्या के बाद उन्हें पिता ने नर्मदा परिक्रमा का आदेश दिया था। परशुराम का पश्चाताप पूरा होने पर प्रसन्न होकर नर्मदा माँ कुंड के रूप में पहाड़ी में स्वयं प्रकट हुई। जग नग्न के मार्ग बताए जाने पर वो कुंड में ही समा गए थे। पहाड़ी में पत्थरों के बीच बनी गुफा सहित अन्य अवशेष इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। परशुराम गुफा के ऊपर अवस्थित लगभग 900 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाली पहाड़ी में परशुराम शिला पर 15 फीट लंबा फरसाधारी 31 फुट ऊंची परशुराम प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि परशुराम की प्रतिमा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यह 15 फीट लंबा फरसाधारी 31 फीट ऊंची प्रदेश की एकमात्र प्रतिमा है, जहां वर्षों से ही परशुराम पहाड़ी के नजदीक परशुराम कुंड का मेला लगता आ रहा है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।